नमस्कार, असम आदित्य समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज है बाल दिवस। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म जयंती के अवसर पर हर साल ये बाल दिवस मनाया जाता है। समग्र देश के साथ साथ आज राज्य के विभिन्न जिलों में भी बाल दिवस मनाया गया है। बाल दिवस राज्य के अन्य हिस्सों के समानांतर आज डिब्रूगढ़ के विभिन्न स्थानों पर भी बाल दिवस का आयोजन किया गया। शहर के उपनगर बोकुल में फाउंडेशन फॉर एजुकेशन स्पोर्ट्स हेल्थ AIF के पहल पर तथा खो खो एसोसिएशन की डिब्रूगढ़ जिला कमेटी के सहयोग से बोकुल हाई स्कूल प्लेग्राउंड में बाल दिवस आयोजित की गई। सुबह से ही बच्चों के बीच फुटबॉल, हैंडबॉल, खो खो आदि सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। गुटे भारत और जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन उपलक्षे जी चिल्ड्रेन डे शिशु दिवस गुटे भारतवर्षते पालन करा हय। ए भारतवर्षर लगते संगति राखी आमार अहोमतो आमी डिब्रुगढ़ जिलात डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल एसोसिएशन, डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट खो खो एसोसिएशन आरो অর্গেনাইজ করা ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন স্পোর্টস এন্ড হেলথ ফেসর ফালৰ পৰা ফিফাৰ অথৰাইজেশনত আমি এই চিলড্ৰেন ডে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইধৰ লক্ষীমপুৰ জিলে কে উত্তৰ লালুক গাঁও পঞ্চায়ত কে অন্তৰ্গত বালিগাঁও কে গাভৰু টুনিজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কে প্ৰাংগণ মে উত্তৰ লালুক ক্ষেত্ৰীয় সংঘ কি পহল কে তহত বাল দিৱস মনাযা গয়া। বিদ্যালয় মে আয়োজিত বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমো কে সাথ সাথ শাম কো এক প্রাইজ মনি। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गहपुर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी उपखंड प्रशासन के सहयोग से मतदाता जनताओं के बीच जागरूकता फैलाने हेतु एक ई रिक्शा रैली निकाली गई। भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश पर आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची में नाम शामिल करने का काम शुरू हो चुका है। गहपुर में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों के पहल पर अलग अलग प्रयासों से मतदाताओं का नाम बदलने की सतत प्रक्रिया जारी है, जिसके चलते आज जिला निर्वाचन अधिकारी उपखंड प्रशासन के सहयोग से गहपुर हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान से असम अरुणाचल सीमा के राजगढ़ खेरोनी गेट तक ई रिक्शा रैली निकालकर मतदाता जनताओं के बीच जागरूकता फैलाया गया। गहपुर से राजीव बड़ुआ की रिपोर्ट, असम आदित्य। बिहपुड़िया और बंदरदोआ पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में शनिवार को बंदरदोआ से दो ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिहपुड़िया और बंदरदोआ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार रात को बंदरदोआ से दो ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों ड्रग्स तस्करों की पहचान बंगाल मोड़ा पाभो भेकेली के रंजीत डोले एवं नौगांव के आबू बक्कर सिद्दीकी के रूप में की गई है। दोनों ही लंबे समय से बंदरदोआ में ड्रग्स का कारोबार चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए दोनों ड्रग्स तस्करों से पुलिस ने 3.93 ग्राम संदिग्ध हेरोइन और 26 कंटेनर के साथ साथ दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। फिलहाल बिहपुड़िया पुलिस ने अधिक जानकारी के लिए लगातार पूछताछ जारी रखी है। बिहपुड़िया से हरेन मोड़ा की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 14 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक अलग रियासत बनाने का ऐलान किया था। 1899 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा की शुरुआत की थी। 1935 में आधुनिक जॉर्डन के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शाह हुसैन का जन्म हुआ था। उन्होंने 1953 से 1999 तक जॉर्डन पर शासन किया था। 1948 में प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ था। वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के सबसे बड़े पुत्र थे। 1955 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उद्घाटन हुआ था। 1964 में आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का आधिकारिक ऐलान किया गया था। 1969 में अपोलो 12 को प्रक्षेपित किया गया था, जो तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आकाश की अनंत गहराइयों को पार करते हुए चंद्रमा पर पहुंचा था। 1973 में महारानी एलिजाबेथ की एकमात्र पुत्री राजकुमारी एन ने फौज में लेफ्टिनेंट मार्क फिलिप्स से विवाह किया था, जो शाही परिवार के किसी सदस्य का किसी आम शहरी से विवाह करने का विरला अवसर था।
2002 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और आज ही के दिन सन 2008 में मून इंपैक्ट प्रोब चांद की सतह पर उतरा था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।